नमस्कार, मैनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। पिछड़ा वर्ग के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सपा बसपा गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग के प्रबुद्ध सम्मेलन में आए हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता हरनाथ सिंह यादव ने सपा बसपा गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह जो गठबंधन है वह अपने भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, जो कि अपने आप को बचाने के लिए आज एकजुट हो रही है। जनता इन लोगों को आने वाले लोकसभा चुनाव में धूल चटा देगी। पिछली बार सपा सरकार ने लोकसभा चुनाव में बेईमानी की और चोरी से 5 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार एक लोकसभा सीट भी नहीं जीत पाएंगे। मैनपी में भाजपा चुनाव जीत कर इतिहास रचेगी। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए देश की जनता को एक साथ लेकर चल रहे हैं। जनता चुनाव में मोदी जी का ही साथ देगी, इन भ्रष्टाचारियों का नहीं, क्योंकि जनता ने सपा सरकार, बसपा सरकार, कांग्रेस सरकार तीनों को बखूबी से देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री। आज जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया, ये किस लिए रखा गया, क्या उद्देश्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी ने अनेक बार ये बात कही है कि सबका साथ सबका विकास। इसी परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण समाज को एक साथ ले चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो प्रबुद्ध जन हमने आमंत्रित किए थे, हम उन्हें आने वाली जो आगे जो चुनौती है चुनाव की दृष्टि से, अपने प्रत्येक कड़ी को उस चुनाव के साथ जोड़ना चाहते हैं। और अब की बार मोदी सरकार, इसको हम चरितार्थ करेंगे, मैनपुरी का नया इतिहास बनाएंगे और मैनपुरी के लोगों ने कांग्रेस का भी राज देखा है, सैफई परिवार का भी राज देखा है, मायावती जी का भी राज देखा है। हम अब की बार इनको धूल चटाएंगे और पहले समाजवादी पार्टी को 5 सीटें बेईमानी से, चोरी से, धकटई से, सरकार की शक्ति से 5 सीटें मिली थी। अब की बार समाजवादी पार्टी शून्य पर आएगी।